भारत पाकिस्तान सीमा के जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवान ने सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार और रायबरेली की पुलिस से मदद मांगी है। जैसलमेर बॉर्डर से दिवाली के दिन ड्यूटी पर तैनात जवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो को भेजकर दबंगों से अपने परिवार को बचाने की सरकार और प्रशासन से लगाई गुहार। जैसलमेर बॉर्डर रायबरेली का मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घुरवारा का बताया जा रहा है। सेना के जवान का परिवार घुरवारा का ही रहने वाला है। बीएसएफ जवान ऋषि मौर्य का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, क्या बताऊँ, मेरा परिवार आज दिवाली का त्योहार नहीं मना रहा है, दबंगों ने मारपीट की है, मैं केवल अनुरोध ही कर सकता हूँ। एक जवान अनुरोध ही कर सकता है, उसके अलावा उसे कोई राइट दिया ही नहीं गया है। संजय पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी मेरे परिवार पर हमला करते हैं, सैनिक होने के नाते हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मेरे परिवार को बचाएं। मैं इतना परेशान हो गया आज की डेट में कि मैं क्या करूं ना क्या करूं। आज दीपावली का त्यौहार मेरे घर पे नहीं मनाया जा रहा, इन्हें इतनी गाली गलौज मेरे परिवार के साथ सुबह ही जाके कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं इतना पीड़ित हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं ड्यूटी पे, अब क्या करूं ना क्या करूं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं थाना इंचार्ज डलमऊ, CO डलमऊ, SP रायबरेली, जिलाधिकारी रायबरेली, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ, और तो मैं एक जवान कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको इतना राइट दिया ही नहीं गया कि अपनी लड़ाई किसी से लड़ सके। लेकिन आप लोगों से अनुरोध किया है कि संजय पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी जो मेरे परिवार के पीछे बिल्कुल रात बिरात जाते हैं, अटैक कर देते हैं, परेशान करते हैं मेरे परिवार को, हम किस किस से लड़ें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे परिवार को बचाएं, तभी ये देश बचेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक सैनिक होने के नाते। जय